नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशंस पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक किसी पोसेट में सबसेट के रिस्पेक्ट में अपर बाउंड और लोअर बाउंड कंप्यूट करना हमने सीख लिया था, तो आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और लोअर बाउंड और अपर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है या लीस्ट अपर बाउंड क्या है वो लॉजिक सीखेंगे, और बाद में यही डेफिनेशन जो है लेटेस्ट फाइंड करने के हमारे काम आती है। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जिसको इनफिमम या फिर सुप्रीमम जॉइन या मीट हम कंप्यूट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। लास्ट वीडियो तक हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड कंप्यूट करना सीख लिया था। अब यहां पर देखिए, हमें पहले कंप्यूट करना होगा लीस्ट अपर बाउंड। अब बहुत सारे टर्म्स देखिए लिखे हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट अपर बाउंड यानी कि शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं LUB, एब्रीवेशन है तो आसान चीज है, लेकिन LUB को ही दोस्तों हम सुप्रीमम या फिर जॉइन भी बोलते हैं। बाद में इन सबके क्या क्या मतलब भी समझेंगे, सुप्रीमम या फिर जॉइन। और इसको दोस्तों जो प्रपोजिशन में हम डिसजंक्शन के लिए सिंबल यूज करते थे, या सेट थ्योरी का और आप बोल सकते हो, वो सिंबल भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब और कुछ नहीं, लीस्ट या मिनिमम एलिमेंट जो है इन अपर बाउंड। तो अपर बाउंड हमने निकालना सीखा हुआ है, अपर बाउंड का जो सबसे छोटा लीस्ट एलिमेंट है उसी को दोस्तों हम जॉइन या सुप्रीमम या फिर पूरा लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक उसी तरह से अगले वैल्यू जो होगा वो होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगेन जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं GLB। इट इज नथिंग बट इन्फिमम या फिर इसको मीट। और दोस्तों इसको जो रिप्रेजेंट हम करते हैं वो करते हैं कंजंक्शन या फिर सेट थ्योरी का जो इंटरसेक्शन वाला ऑपरेटर है उस तरह के सिंबल से। और ऑफकोर्स ग्रेटेस्ट ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ये लोअर बाउंड का। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो अपर बाउंड है उसका हमेशा निकालेंगे लीस्ट वैल्यू, और जो लोअर बाउंड है उसका हमेशा निकालेंगे ग्रेटेस्ट या फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो उसी को दोस्तों हम जो है जॉइन या मीट बोलते हैं, जो लेटेस्ट फाइंड करने के हमारे काम आता है। तो आइए कुछ केसेस मैंने ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। और ऑफ कोर्स आप चाहे तो अपर बाउंड लोअर बाउंड खुद भी कंप्यूट कर सकते हैं, उसके बाद की भी एनालिसिस बहुत आसान है। चलिए केस बाय केस स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए पहला केस हमने लिया, और ऑफ कोर्स अलग अलग सबसेट्स के लिए यानी कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा केस हो तो ज़्यादा सीखने को हमके लिए मिले। तो एक हैश डायग्राम देखिए हमारे पास है, और पहला केस में हमने स्टडी देखिए कर रहे हैं सी को और डी को। तो सी और डी दो एलिमेंट्स हैं जो अंडर स्टडी हमारे पास हैं। तो पहले देख लेते हैं अपर बाउंड। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सी और डी का अपर बाउंड क्या होगा? दोबारा सोचिएगा, अपर बाउंड हमने सीखा था वो एलिमेंट्स जिससे हमारे सारे एलिमेंट रिलेट हों। तो हमारे दो एलिमेंट हैं सी डी, वो दोनों देखे रिलेट पक्का एक तो कर पाएंगे किससे, ई से। तो ई हमारा आ जाएगा अपर बाउंड में, सी और डी के अपर बाउंड में ई मिलेगा। रिलेशन की बात तो देखिए लॉजिकल है, वैसे देखने में समझ, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे। तो ई जो है वो दोनों से रिलेट कर पा रहा है। क्या एफ भी सी और डी के अपर बाउंड में होगा? देखिए एफ डी से तो मतलब डी का तो एफ से रिलेशन है, बट सी का देखिए एफ से कोई रिलेशन, कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है, तो नहीं आ पाएगा। बिकॉज दोनों होना चाहिए, सी और डी खुद भी नहीं हो सकते। इसका मतलब अपर बाउंड दोस्तों सिर्फ हमको मिलने वाला है ई। अब ये तो बड़ा ही आसान केस हो गया, बिकॉज एक ही एलिमेंट मिला है अपर बाउंड में, हमको निकालना था अपर बाउंड का लीस्ट एलिमेंट क्या होगा। अब देखिए लीस्ट वो ही बात है जो बात है मिनिमम की, मैंने अभी लिखा भी हुआ लीस्ट मतलब मिनिमम। तो किसी भी स्ट्रक्चर में मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना हमने पहले ही सीखा हुआ है, बट भाई एलिमेंट ही अगर है ई, एक ही एलिमेंट है, तो मिनिमम भी क्या होगा, ई ही होगा। इसका मतलब यहाँ मिनिमम भी दोस्तों मिल जाएगा ई, है ना। तो बड़ा बेसिक सी बात है, याद रखिएगा लीस्ट मतलब मिनिमम और ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम हमने पहले आइडेंटिफाई करना सीख लिया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, तो वही कंसेप्ट है। फिर देखिए दोबारा एक बार एनालिसिस करते हैं, पहले अपर बाउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस बार ए और बी को स्टडी किया है, तो देखिए ए और बी के अब अपर बाउंड में कौन कौन होगा? तो मेरे ख्याल से ई एंड देन एफ और डी, तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा अपर बाउंड में कौन कौन, तो ए बी किस किस से रिलेट कर रहे हैं, डी से भी कर रहे हैं, ई से भी कर रहे हैं, एफ से भी कर रहे हैं। तो तीनों एलिमेंट दोस्तों आपको मिलेंगे अपर बाउंड में, बट ऑफकोर्स सी नहीं मिलेगा, बिकॉज सी आप देख रहे हैं ए से तो रिलेटेड है, मतलब ए सी से रिलेटेड है, बट बी सी से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए यहाँ लॉजिक, ई एफ और डी, ई एफ और डी इस अपर बाउंड का हमको फाइंड करना लीस्ट वैल्यू। तो जाहिर सी बात है इस अपर बाउंड का लीस्ट वैल्यू दोस्तों क्या होने वाला है, डी। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे
कि ए बी का LUB लीस्ट अपर बाउंड क्या है, तो AB का अपर बाउंड तो है E, F और D, बट लीस्ट वैल्यू हो जाता है D। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा। अब अगला देखिएगा, E और F का इस बार स्टडी कर रहे हैं, E और F को, E और F का अपर बाउंड क्या है। अब E और F का तो अपर बाउंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, बिकॉज वो कौन सा एलिमेंट है जिससे दोनों E और F रिलेट कर पा रहे हैं, जी कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अपर बाउंड हो गया फाई, और अगर अपर बाउंड फाई है तो फिर लीस्ट अपर बाउंड भी होगा फाई। तो देखिए कुछ केसेस मैंने कवर किए, कभी कभी एक ही एलिमेंट होगा तो वही रिजल्ट हो जाएगा हमारा, अगर एक से ज्यादा होगा तो जो लीस्ट होगा वो आपको मिलने वाला है, और कभी कभी अपर बाउंड भी दोस्तों फाई हो सकता है। अगर अपर बाउंड फाई हुआ तो उसका जो लीस्ट अपर बाउंड हो वो भी क्या होगा, फाई। देखिए ग्रेटेस्ट यानी के मैक्सिमम और लीस्ट यानी के मिनिमम हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, या तो नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो दोस्तों एक मिलेंगे। तो देखिएगा तीनों केस में, एक बार नहीं मिला, दो बार मिला तो मैक्सिमम भी दोस्तों सिर्फ, या जो यहां पर हम क्या फाइंड कर रहे थे मिनिमम वैल्यू अपर बाउंड का, वो दोस्तों सिर्फ एक मिला है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेट फाई ना हो बट रिजल्ट फाई हो, सारे केस कवर कर लेंगे धीरे धीरे। तो मेरे ख्याल से अपर बाउंड की बात आपको समझ आई होगी। अब यही एनालिसिस इसी क्वेश्चन पे एक बार रिपीट कर लेते हैं लोअर बाउंड के लिए। तो अब देखिए दोबारा स्टडी करते हैं सी और डी का लोअर बाउंड। तो मेरे ख्याल से वो कौन सा एलिमेंट है जो सी और डी दोनों से रिलेट कर रहा है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा, ए। आई थिंक कॉमन सेंस बात है, काफी बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ए के अलावा कोई और लोअर बाउंड में नहीं होगा, और एक ही एलिमेंट है भाई, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कौन होगा, ए ही होगा, ऑब्वियस बात है। अगले केस में देखिए स्टडीज बार किया है ए बी को, तो दोस्तों कौन सा एलिमेंट है जो ए बी दोनों से रिलेट कर रहा है, जी कोई नहीं है। तो ए बी का जो लोअर बाउंड है आप देख रहे हैं हो गया है फाई, और लोअर बाउंड फाई है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या होगा, फाई ही होने वाला है। फिर देखिए स्टडी इस बार किया है ई और एफ को थर्ड केस में, तो ई और एफ का लोअर बाउंड, तो मेरे ख्याल से यहां पर ए एंड देन डी और बी तीनों के तीनों लोअर बाउंड में आ जाएंगे, बिकॉज ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जो ई और एफ दोनों से रिलेट कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स लोअर बाउंड में देखना होता है द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आप सोच सकते हैं ए डी और बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन होगा, ऑफ कोर्स डी होने वाला है। तो देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो वैल्यू है मिल गई डी। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा, बस वही कंसेप्ट जो हमें प्रैक्टिस करते चलना है। तो ये दोस्तों अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ, आप जहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला करूँ आप बताइएगा। तो ए सी और एफ है ना, किस किस को स्टडी किया है, सॉरी ए सी को और एफ को, ओके ये स्लाइन को स्टडी किया है, ए सी और एफ का अपर बाउंड, तो ए सी और एफ का अपर बाउंड होने वाला है दोस्तों मेरे ख्याल से सिर्फ ई और एफ। इसका रीज़न क्या है, तीनों एलिमेंट ई से रिलेट कर रहे हैं, तीनों एलिमेंट एफ से रिलेट कर रहे हैं, बट डी से ऑफकोर्स एफ रिलेट नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी, और ई और एफ का हमको देखना है लीस्ट वैल्यू, तो ई और एफ में लीस्ट दोस्तों हो जाया करता है एफ, तो ए सी और एफ का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो हो गया दोस्तों एफ। फिर आगे बात कर सकते हैं किसकी, लोअर बाउंड की, तो ऑफकोर्स इन सब का जो लोअर बाउंड है वो तो बहुत ही आसान मेरे ख्याल से हो गया ए, बाकी और कोई सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ग्रेटेस्ट भी कौन होगा ए। अगला जो स्टडी किया है वो किया है डी को और सी को, तो देखिए डी और सी अगर स्टडी करते हैं तो डी और सी का अपर बाउंड में मेरे ख्याल से आ जाएगा ई और डी, दो वैल्यू आने वाले हैं, और ई और डी में बिकॉज एफ तो नहीं आएगा, डी से रिलेट नहीं होगा, और ई और डी का हमको देखना है लीस्ट वैल्यू, तो पक्का हमको मिलने वाला है डी, है ना। फिर देखिए दोबारा डी और सी का देखना है इस बार हमको लोअर बाउंड, तो डी और सी के लोअर बाउंड में दोस्तों हमको मिलेगा ए और सी, और ए और सी में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो दोस्तों होगा सी। तो बहुत आसान और ऑब्वियस बात है, अभी मैं आपको फार्मूला बाय फार्मूला समझा रहा हूँ, बाद में कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी सिखाऊंगा कि बहुत जल्दी से, मतलब इफ अगर आपको थोड़ा सा कमांड प्रैक्टिस है ना, हार्डली इट विल टेक 10-15 सेकेंड्स टू फाइंड कि भाई जो भी पोसेट आपके सामने बना या हैश डायग्राम बना हुआ है वो लेटेस्ट है कि नहीं है। आसान क्वेश्चन होते हैं बट टर्मिनोलॉजी वहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस से चीज़ क्लियर होती है। अब यहां देखिएगा कुछ डिफरेंट केस मैंने लेने की कोशिश की है, तो इस बार देखिए डी और ई का मैं आपसे पूछूंगा अपर बाउंड, तो डी और ई का अपर बाउंड अनडाउटेडली है एफ, तो लीस्ट अपर बाउंड भी दोस्तों क्या होगा, एफ ही होगा, बिकॉज एक ही वैल्यू है। डी और ई का लोअर बाउंड देखिए क्या है, तो लोअर बाउंड है यहां पर मेरे ख्याल से बी ए और सी, तीनों वैल्यू, बिकॉज स्टडी हम कर रहे हैं डी को और ई को, तो लोअर बाउंड में बी भी आएगा, सी भी आएगा, ए भी आएगा, बट बी सी और ए में जब मैं आपसे पूछूंगा बताइए इन तीनों का ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है। अब देखिए समस्या क्या है,
ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, तो भाई ए तो आने वाला नहीं है, बट बी और सी में कौन मैक्सिमम है? प्रॉब्लम ये है कि बी और सी आपस में रिलेटेड नहीं है, और ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम की हमने बात की थी, मैक्सिमम वो होगा जिससे बाकी सारे एलिमेंट रिलेट करें, तो बी सी से रिलेट नहीं कर रहा, सी बी से रिलेट नहीं कर रहा, इसका मतलब सरप्राइजिंगली यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोस्तों हो जाएगा 5। इसका मतलब देखिए केस पहले हमने देखा था, ऐसा हो सकता है कि अपर बाउंड या लोअर बाउंड 5 हो, अगर ऐसा होगा तो खुद में खुद लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 5 हो जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि अपर बाउंड या लोअर बाउंड 5 ना हो, उसके बाद भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 5 हो जाए, तो खैर यहां पर कोई एलिमेंट हमको नहीं मिला। उसी तरह से अगला किस देखेगा, बी और सी का हमको निकालना है अपर बाउंड, बी और सी का अपर बाउंड तो ऑफकोर्स हमको मिलने वाला है डी एफ और ई, डी एफ और ई ये बी और सी का हो गया अपर बाउंड, और लीस्ट वैल्यू देखेंगे, देखिए फिर वही समस्या, डी एफ और ई में एफ कम से कम लीस्ट के कॉम्पिटिशन में नहीं है, बट लीस्ट हो सकता है सिंगल एलिमेंट। प्रॉब्लम क्या है कि डी और ई जो है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो नहीं समझ पाएंगे कौन सा वैल्यू सबसे कम है, तो अगेन सरप्राइजिंगली ये भी हो जाएगा 5। और फिर हमको फाइंड करना है बी और सी का लोअर बाउंड, वो तो ऑफ कोर्स ए है, और अगर सिंगल है तो वही दोस्तों होने वाला है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको समझ आया होगा, और अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे किसी भी सेट के रेस्पेक्ट में, देखिए हमने क्या क्या सीखा है, मैक्सिमल मैक्सिमम मिनिमल मिनिमम, उसके बाद किया अपर बाउंड की लोअर बाउंड की, फिर अपर बाउंड और लोअर बाउंड में, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट और अपर बाउंड में लीस्ट। एक और चीज़ मैंने प्रैक्टिस आपको इसी हिसाब से कराई है कि जितने भी सेट्स हमने लिए, कभी दो एलिमेंट के लिए, कभी दो से ज़्यादा के भी सेट हमने लिए हैं, और उस पर हमने एनालिसिस की है। अब हम अगले वाले वीडियो में खैर इस पर बात करूंगा, इस ऑपरेशन को दोस्तों कर देते हैं जनरलाइज, और अब जो लीस्ट अपर बाउंड है या जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दोस्तों, वो मैं सिर्फ दो एलिमेंट पर लगाने वाला हूँ, और उसी को हम दोस्तों ज्वाइन या मीट ऑपरेशन बोल देते हैं, है ना। और फिर अब दो नए ऑर्डर या दो नए सिस्टम हम पढ़ेंगे, व्हाट इज ज्वाइन सेमिलेटिस, व्हाट इज मीट सेमिलेटिस, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। और अगर कोई पोसेट या हैस डायग्राम ज्वाइन सेमिलेटिस और मीट सेमिलेटिस दोनों बन जाता है तो दोस्तों उसी को हम बोलते हैं लेटिस। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन लेटिस की, तो अगले वीडियो में बात करते हैं, मान लीजिए पहले ज्वाइन सेमिलेटिस की, फिर बात करूंगा मीट सेमिलेटिस की, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि लेटिस क्या है, और उस पर खूब सारे क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है और मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो के बारे में क्या समझते हैं और मैं क्या सुधार इसमें कर सकता हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए थोड़ा सा समय और बहुत जल्दी हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।